हेलो हाय बेबी, हाय, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ। क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। आप इतनी टाइम क्यों कॉल कर रही हो? मेरे आलोक आलोक जी को पता चल जाएगा तो वो पता नहीं। अरे तुम्हारे पति पति की बात कर रहे हो? अरे पति तो कोई बात है, सोया नहीं अभी तक क्या? वो नहीं, अभी जग रहे हैं, बच्चों के पास है। बच्चों के पास है? यार तुम कब से मेरे को बोल रही कि यार उसको तलाक दूंगी? कब दे रही हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार जब बोला है तलाक देने के लिए दूंगी, वो देगा तभी तो ना। ही वो मुझे तलाक दे रहा है, सोशल मीडिया पे इतना ड्रामा कर दिया। इसको तो जी कर रहा जान से मार दूं। क्या क्या नहीं वो करा, जाके झूठी कंप्लेन भी करवाया कि दहेज के चक्कर में इन लोगों ने मुझे मारा पीटा, और बोल रहे हैं तो पैसों के लिए। फिर भी वो पता नहीं कैसे बच जा रहा है। तो यार अब मेरी बात सुनो, मैं किसमें क्या हेल्प करना करूं ये बताओ। मैं तो बस ये चाहता हूँ साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग क्या हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में रहें और तुम्हारा पति अलग हो जाए, तो उसमें क्या हेल्प करूं बताओ। करना है यार इसको? अब माँ जान से मरवाना है, क्योंकि इसका तो कोई वो है नहीं। पता नहीं कब तक क्या करेगा, क्या चलेगा। ये जान से मरेगा, खत्म खत्म कहानी होगी इसकी। बाकी तुम अपने पास को कब तलाक दे रहे हो? अच्छा तो क्या करें बताओ, क्या प्लान करें ये बताओ। कुछ सोचते हैं इसके ठिकाने लगाने का। अच्छा गाड़ी से कुचलवा दें? हाँ, और नहीं तो क्या, वो सुबह सुबह जॉब पे जाते हैं ना। हाँ, या फिर शाम को जब आते हैं उस टाइम, दो ही टाइम है हमारे पास इनको घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा तुमने खाना खाया? अगर खाना नहीं खाया ना तो जहर है ना, जहर की दवाई दे, मार दो उसे। यार जहर मैं कैसे लेके आऊंगी? तू पता ही, तो मैं दुकान ले हैं, जहर देती भी नहीं है। पहले पूरा उनको जानना है। हाँ, वो भी ऐसे जहर देंगे तो चूहा हुआ मान रही, उसे तो मरने वाला नहीं है वो। अच्छा अरे नहीं, मर जाएगा जब चूहे मारने की अगर दवा दोगे तो। अरे नहीं मरेगा वो, पता है मुझे। चूहे मारने से कोई कोई थोड़ी ना मरता है दवाई से। अच्छा छोड़ो, ये वो सारी चीजें तो होती रहेगी यार। मुझे ना तुम्हारी याद आ रही है, मिल रहे हो, 2 दिन से हम मिले नहीं। यार मुझे भी तो याद आ रही है, पर क्या करें, सोशल मीडिया पे इतना रहा वो कर दिया उसने कि चल रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ। वो अभी एक पता नहीं कौन से इंसान का फोन आया था, बार बार बोल रहा है कि मुझे आपको इस टॉपिक पे बात करनी है, आपने तलाक क्यों देना चाहती हो, 13 साल के साथ ही ये वो। आने तो दिमाग खराब हो गया है, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा तो यार मेरे को भी ना समझ में नहीं आ रहा है यार, और ये सोशल मीडिया की वजह से ना मेरी बीवी को भी पता चल गया है। बताओ तुम कब तलाक दे रहे हो अपने बीवी को? मैं सोच रहा हूँ मेरी बीवी को भी मार दूँ। क्यों, क्या तलाक नहीं ले रही है क्या वो? वो तलाक बोला ले, कुछ भी ना ले रही, बोल रहे पैसे चाहिए, मार दूँ जान से। पैसे चाहिए? और ये क्या बोलते हैं लोग के साथ, उसका भी ये लोग की बहुत हेल्प कर रही है वो। हाँ मिलके कर रहे हैं ना, वो दोनों मिल गए वहां से। हाँ ये तो है। मैं अकेले आ जाओ ना, बहुत याद आ रही है तुम्हारी। यार तुम पागल हो क्या? अभी घर पे इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, तुम्हें पता है सब लोग यहाँ पे है। अभी मैं आऊंगी फिर कोई क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? और आपको पता है रात हुई है, मैं रात को नहीं आ सकती। सुबह रहते तो मैं आ भी सकती हूँ, अच्छा मैं आपसे सुबह मैं मिलूंगी। ठीक है, चलो ठीक है, सुनो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, मेरी भी पास में, बाद में बात करता हूँ।